और ये बड़े भाई भारत के जी हरकेश गरवन जी, आज यमुना जी का ये चंबल है, चंबल चंबल के ऊपर हो गए यार जाएंगे हम, और पता नहीं बड़ा उबड़ घावड़ रास्ता है, और ये बड़ा ही आनंद लेते हुए ये सामने चंबल लकड़ी का पुल बना हुआ है, चंबल की और इधर चंबल बराबर है, चंबल इधर भी चंबल नाम चल रहा है, स्वाद मां तो पानी तैर गया ये पंकज भाई मछली के लिए, और ये चंबल के ऊपर से ये चंबल है। तो इधर हम लोग दंगल में आए हुए हैं मध्य प्रदेश में, तो यहाँ एक भाई की पंचर की दुकान है, और काफ़ी टाइम से मतलब कि हम लोग घर में बैठे हुए थे, तो भाई ने चार्जर भी दिया था लगाने के लिए और पंखा भी लगा दिया था, और उन भाई से मिलवाता हूँ मैं, हम लोग गर्मी में बैठे हुए थे खाट पर उनकी पे, तो उन भाई ने अपने आप चुपचाप पंखा के लगा के दिखा दिया। तो यार ये यही लोगों की नैतिकता और मानवता होती है कि इस तरीके से चीज़ें होती रहनी चाहिए, अगर कोई भी हो पहलवानों को इस तरीके से सम्मान आप देते रहो। तो ये वो भाई है जो गर्मी में हम लोग बैठे हुए, तो इन्होंने अंदर से पंखा लगाया यहाँ पे और पहलवानों को इज्जत दी, और यही नैतिकता और मानवता होती है। ये भैया क्या नाम है आपका? परसोत्तम बघेल। किस जगह पे, ये कौन सी जगह है? अभी ये कुरेठा है जी, ग्राम पंचायत कुरेठा, ये दंगल लग रहा है जी। तो आपकी ये चीज बहुत अच्छी लगी कि आपने पहले तो चार पाई थी, फिर गर्मी में देखा तो आपने पंखा भी लगाया, तो इस तरीके की नैतिकता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जब आप इतनी दूर से आए हैं तो आप इतनी गर्मी में कष्ट से रहे, तो हमें क्या दिक्कत भाई, बैठो आराम करो। आप इसी तरीके से अच्छा काम करते रहें और भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपकी कृपा है भाई।